वो जो रॉजर मानो का आई थिंक वो इंटरव्यू है वो भी देखने वाला है। 3 घंटे की स्टोरी है पूरी, रॉजर 3 घंटे की स्टोरी है। उसमें आप कैसे बता दें बल्कि उसमें है क्या? रॉजर मानो कमीशन्ड ऑफिसर था यूएस नेवी में, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसके कमांडर इन चीफ ने, बॉस जो भी था, उसने बुलाया हायर अपने कि रॉजर मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, तो मैं तुम्हें ले जाना चाहूंगा एक पार्टी में। तो वहां पे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, बड़े लोग आए होंगे। तो रॉजर ने कहा अच्छा ठीक है, बट ही सेड कि विल यू लाइक टू मीट योर डेड पेरेंट्स ओवर देयर। ये रॉजर खुद सुना रहा है 3 घंटे के ना, अ ट्रिप टू सुपरनेचुरल नाम है डॉक्यूमेंट्री का। तो वो हैरान होता है, मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसका मूड नहीं बन रहा होता कि नहीं मैंने नहीं जाना। लेकिन जब वो उसे ये बात कहता है ना कि अच्छा तुम डर रहे हो, यू आर चिकनिंग आउट, तो फिर वो कहता है कि नहीं ठीक है मैं आऊंगा, चलें लेट्स गो देयर। वहां की फिर वो कारस्तानी बताता है कि पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, म्यूजिशियन, बहुत से मैंने लोग देखे बड़े बड़े, और वहां पर स्टेज पर एक औरत थी लंबी सी और उसने गाउन पहना हुआ था, और वो सबको कह रही थी कि बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। और कहता कि मैंने एक लड़की को देखा, कहते कि मैंने अपने डेड फ्रेंड से मिलना है। तो वो उसका डेड फ्रेंड उसके सामने आ गया, इस तरह से उसने मिला, स्टेज के पीछे से आ गया। और अब ये कैसे आया, ये कौन है? मेरी इस पे थ्योरी है कि ऑब्वियसली ये करीन है, शैतान है, जिन्नात है, रूप भी धार लेते हैं। बिल्कुल, रिपोर्टर में ये चीजें दिखाई हैं उन्होंने कि इट इज वेरी मच पॉसिबल। दज्जाल इवन जो लोगों को मारेगा और कत्ल करेगा, इवन दज्जाल कहेगा, जिसका हम कल डिटेल में बात करेंगे, कि एक बुद्धू कहेगा कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, ज्यादा करके दिखाऊं, अच्छा आप कर सकते हैं। दो हदीस में क्या था, दो शयातीन उनके माँ बाप का रूप धारेंगे और कहेंगे माय सन बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज योर रब। इमेजिन आपके पेरेंट्स आर लॉन्ग गॉन, 10 साल का पेरेंट्स वफात पा चुके हैं, आप बड़ा मिस करते हैं, आप भूल भी गए। इमेजिन 10 साल बाद एक शख्स कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स में जिंदा करके दूं, आप कहते हैं यार आपकी माँ और आपके बाप यहाँ से आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये रब है, हमने देख लिया, इस पे ईमान लेके आओ, तो वो करेगा। तो ये शैतान बेसिकली रूप धारते हैं। एग्जैक्टली, तो यही हुआ होगा ना, वो शैतान आए होंगे, करीन भी रूप धार सकता है, बंदा मर जाता है उसका करीन नहीं मरता है। लेकिन बहरहाल इस साइड के फिर मेरी बारी है, तो मैं कांपने लग गया कि अब मैं कैसे ख्वाहिश जाहिर करूं। बहरहाल इस साइड के मैंने कहा आई विल लाइक टू मीट माय डेड पेरेंट्स, एंड देयर यू गो, एक गश ऑफ विंड आया पीछे से, पर्दे से मेरे डेड पेरेंट्स मेरे सामने आके खड़े, और उसने कहा आई वॉज शॉक्ड, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल हुआ, मैंने डेड पेरेंट्स से बात की, उन्होंने जवाब दिया बकायदा। That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously फिर उसने कुछ बातें बताई कि किस तरह से इबलीस से भी उसने अपनी मुलाकात का जिक्र किया, बड़ी उसने बातें बताई। अब ये सच है झूठ है अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन बहरहाल वो बातें मैं कोट कर देता हूँ। उसने कहा कि इबलीस से जब मेरी मुलाकात हुई, इबलीस तो नाम भी उसने लिया, उसने कहा कि मुझे अंदाजा हो गया था लूसीफर है, क्योंकि वो सारे साइन इसी पे पूरे हो रहे हैं जो लूसीफर के बारे में बाइबल में आते हैं। उसने कहा मैं शुरू से हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, मैंने तमाम इंसानों को देखा है, मैंने वॉर्स देखी, मैंने ये सारी चीजें मैंने की हैं, जीसस को भी मैंने ही भेजा था, ये सारी चीजें कैरेक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं सारे, ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और रिलीजन ये सारे मेरे बने बनाए हैं, और मैंने कितने ही प्रीस्ट को डिसीव किया और क्या क्या किया। उसने अपनी फुल फड़े मारी वहां पे अकॉर्डिंग टू हिम। फिर उसने कहा कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी मैंने लिखवाई थी इसको, डार्विन को। तो बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आई एम कोटिंग हिम, दैट्स व्हेन ही सेड कि आई डिसाइडेड कि नहीं आई नीड टू गो बैक टू क्रिश्चियनिटी, ये काम खराब है भाई, ये बहुत डार्क वर्ल्ड है, तो डार्कनेस में आ गया हूं मैं। तो ये है उस बंदे की स्टोरी, ट्रिप टू सुपरनेचुरल। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर द टाइम एंड्स, के मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है कि इस वक्त इनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, ये जो भी ग्रुप है, आप चलें यार फ्री मेसन लुमिनाटी ना माने इन्हें, लेकिन शैतान का जो ग्रुप है इसका क्या है सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, ट्रांस ह्यूमनिज्म, जिसमें सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि मशीन्स और ह्यूमन बींग्स का ब्लेंड। फ्यूचरिज्म एक चैनल है फेसबुक पे भी, अच्छा। और उसके मिलियन ऑफ लाइक्स हैं, और आप यूट्यूब पे जाएं तो उसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है, जिसमें ट्रांस ह्यूमनिज्म की बहुत बात हो रही, सॉरी। तो ट्रांस ह्यूमनिज्म में करना वो क्या चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और मशीन्स को ब्लेंड करना चाहते हैं, क्यों? ताकि इंसान की सोल जो है वो खत्म हो, रोबोट्स बना दें। और इंटरेस्टिंगली ये जो औरत ट्रांस ये फ्यूचरिज्म के चैनल को रन कर रही है, शी इज द डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस सेटनिस्ट। अच्छा, ये पूरी इसमें रिसर्च है बकायदा। कल दज्जाल का टॉपिक में मैं कोर्ट भी करूंगा, साबित करूंगा कि ये औरत जो है इसका बाप एक बहुत बड़ा कल्टिस्ट था, सेटनिस्ट था। और जाहिर है कि जैक पार्सन
जो जिसने रॉकेट का फ्यूल बनाया था, उसने तो बकायदा अपनी डायरी में दज्जाल का नाम लिखा है कि मैंने फॉल्स मसीहा से मुलाकात की और उसका नाम दज्जाल है। ये उसकी डायरी में गूगल पे सर्च कर लें, जैक पार्सन की डायरी, उसमें दज्जाल लिखा हुआ है उसने कि दज्जाल, ही इज कॉल्ड दज्जाल, और उसने मुझे अप्रिशिएट किया, दज्जाल से मैंने मुलाकात की, उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग। जाहिर है फ्यूल इज अ बिग अचीवमेंट, रॉकेट ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल, और सैटेलाइट किस तरह ऊपर जाती है, रॉकेट के थ्रू ही जाती है, रॉकेट ना होता सैटेलाइट ना होती, सैटेलाइट के थ्रू हर चीज पे नजर है। बहरहाल तो ये भी एक बात है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मुझे डर लगा हुआ ना इस वक्त, वो ये है कि जितना हमारी यूथ मटेरियलिज्म का शिकार होती जा रही है, ये हिप हॉप एंड रैप डिजिटलाइज भी हो रही है बहुत, ये इनकी सोल्स को मार रहे हैं। नमाजों से हम दूर हैं, मौलवियों का हम मजाक उड़ाते हैं, दीन का हम तमस्कर उड़ाते हैं, फिर ये जिस तरह फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे, अब फिर पॉन का पूरा वर्ल्ड है, फिर ये एमएनएम और ये पूरी इल्यूमिनाटी का एक कल्ट है, जितना ये इनको सुन रहे हैं और फिर मशीन्स में जितना ब्लेंड होते जा रहे हैं ना, एडिक्शन होती जा रही है इन्हें, लिटरली हमारी आने वाली जनरेशन में डर है ज़ॉम्बी होगी और मशीन्स बन जाएंगे, और जब वो मशीन्स बन जाएंगे ना उनमें इंसानियत होगी, इस्लाम तो दूर की बात, इंसानियत भी नहीं होगी। और दिस इज दी मेन एजेंडा कि इनकी सोल को हमने खत्म करना है और इनको हमने दरिंदगी, वो जो ह्यूमन बीइंग की एक वो नफ्स अमारा है ना, उसको हमने पीक पर लेकर आना, ताकि ना तो ये कोई सोच सके, ना ही ये कोई नॉलेज हासिल करें, इग्नोरेंट रहें, प्रोपेगेंडास पर बिलीव करें। हमें वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, सबसे बड़े तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पे बिलीव करने वाले खुद हैं, सबसे बड़े तो वो इनऑथेंटिक नॉलेज पे बिलीव करने वाले खुद हैं, फॉक्स न्यूज उनके लिए बाइबल है और CNN जो बता देता है उसमें अंधाधुंध बिलीव कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त वेपन है ना, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू, वो ये है कि खुदा के कॉन्सेप्ट को खत्म करो इनके माइंड से, इनके बच्चे के माइंड्स में सिर्फ मार्वल हीरोज होने चाहिए, दूर दूर तक खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई वजूद नहीं, किसी मूवी में नहीं दिखाना कि कभी किसी हीरो ने अल्लाह से मदद मांग ली। जैसे यूसुफ अलैहि सलाम कुएं में फंसे तो किससे मदद मांग रहे थे, यूनुस अलैहि सलाम जब मछली के पेट में थे किससे मदद मांग रहे, इनका हीरो क्या करता है मूवी, कभी अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिखाया किसी ड्रामा में, किसी मूवी में, कहीं नहीं है। वजह कि बच्चे के माइंड से खुदा का कॉन्सेप्ट निकालो और यही साबित करो, वी आर गॉड, आई एम, मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो ये मेरे नजदीक शेख सबसे बड़ा इनका हथियार है। They are pretty successful. They are pretty successful. हर घर में ये चीज है, म्यूजिक हो गया, ये मूवीज हो गई और पोर्नोग्राफी हो गई, ये तो वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मौसीकी को हराम, मौसीकी के आलात हराम करार दिए, इसमें कितनी बड़ी हिकमत है। आई विश के हम ये केमिकल्स के थ्रू समझाएं और इसके थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, कि कितना गुमराह थ्रू आउट हिस्ट्री म्यूजिक के थ्रू हुए हैं लोग। लिटरली इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग और लोग हेड बैंगिंग करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं हिप हॉप सुन के, लोग रैप सुन के पागल हो जाते हैं और दे कैन डू एनीथिंग फॉर देम। लिटरली वो बच्चे ऐसे अल्फाज कहते हैं कि मैं नमाज भी छोड़ सकता हूँ रैप सुनने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ रैपर बनने के लिए, आई कैन सेल माई हेयर आफ्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह के जो कैरेक्टर्स है ना, सबसे बड़ा मुझे डर ये है कि ये मुसलमान कंट्रीज में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एथिज्म इनका एजेंडा है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इनका एजेंडा है, गॉड को टोटली जहन से निकाल दो ये इनका एजेंडा है, ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ ले आओ, मशीन बना दो इन्हें, ज़ॉम्बीज बना दो, ना ये कुछ सोच सके, ना ये नॉलेज की तरफ आए, प्रोपेगेंडास पे ये बिलीव करें और कट पुथरियों की तरह जो है हम इन्हें चलाएं। एंड पीपल आर नॉट वेकिंग अप, यूथ आर नॉट वेकिंग अप।